अरे जब अर्जुन को महाभारत के शुरू के अंदर जब वो दुखी हुआ, उसको प्रॉब्लम आए, तो उसने कृष्ण भगवान से कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपणम, कि अब मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या किया था कृष्ण भगवान ने, उनसे कहा एक काम करियो, तू मेरी परिक्रमा लगा ले, तेरा काम हो जाएगा। या ये कहा कि तू नारियल फोड़ लियो 11, तेरा काम हो जाएगा। या तू एक काम कर 11 ब्राह्मण जिमा दियो। कहा ऐसा कुछ? भगवत गीता का ज्ञान दिया। क्या दिया प्रभु जी? भगवत गीता का ज्ञान दिया। क्या हुआ उससे? हारा के जीता, जीता। और हम हारते क्यों हैं? क्योंकि उस भगवान के आदेशों को समझने की जगह दुनिया भर का और कुछ करते हैं। जैसे डॉक्टर के पास मिलने गए, उसके दरवाजे पे नारियल फोड़ दिए, उसको क्या दिया प्रभु जी? दक्षिणा दिया है, उसको माला पहना दी। अरे गुरु का आशीर्वाद चरणों में नहीं होता, गुरु का आशीर्वाद कानों से ग्रहण किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पैर छूने आए थे, पैर क्यों छू रहा है भाई तू? डॉक्टर का जो आशीर्वाद है कहाँ है उसके नुस्खे में? सही बात है गलत बात है? जो आपको सलाह देता है वो सलाह ही उसकी आशीर्वाद। इसी तरीके से ये पता नहीं आप लोग इतना शॉर्टकट मत करिए। आप लोग सोचते हैं यार सी दर्शन कर लिए, वो मिले थे एक दो लोग भक्त से लग रहे थे, पैर छू लिए, काम हो गया। कुछ नहीं हो गया आपका काम। काम होने के दो मतलब होते हैं। आप ऐसे स्कूल के अंदर अपने बच्चे को डालोगे जिसमें सब टीचर कहते हो पैर छू जाकर बस तू आ गई, इम्तिहान में पास होगा फेल होगा, बताओ क्या देखते हो? टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं, हम बच्चे को पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता? तो फिर आप गुरु को जब देखते हो, ये आध्यात्मिक गुरु और भौतिक गुरु के जो उनको देना चाहिए उसमें कोई भेद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। गुरु का एक ही काम है जो आपके जीवन में, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो। आगे क्या है? बलियारी गुरु, आपने अपने को गोविंद बताते ही छोड़ देना उसको। जिसने अपने को गोविंद बताया उस गुरु को छोड़ देना, त्याग देना, नहीं तो डूब जाओगे। क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि मेरे ज्ञान को कौन समझ सकता है, भक्ते माम अभिजानति। सरल संस्कृत है, भक्ते का मतलब भक्त, माम का मतलब मुझे, जानती का मतलब जान सकता है। ना तो योगी, ना ज्ञानी, ना ध्यानी, सिर्फ भक्त जान सकता है। हनुमान जी को क्या कहा जाता है? ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। उनसे सीखिए,